जागरूक भारत 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। गुजरात के बोटाद जिले के बरवाला तालुके के रोजित गांव में लट्ठा कांड से अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि इन लट्ठा कांड की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा दो लोगों की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। लट्ठा कांड के मामले में कुल 31 लोग प्रभावित हुए हैं। बीते दिन ये जहरीली लट्ठा कांड की घटना बनी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक लट्ठा कांड में मारे गए दो लोगों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। इसके अलावा 20 लोगों का इलाज के लिए भावनगर शिफ्ट किया गया है। गुजरात में लट्ठा कांड की एक और घटना सामने आने के बाद कोहराम मच गया है। इसके अलावा लट्ठा कांड के मामले की जांच के लिए SIT का गठन भी किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने शराब बेचने और बनाने वाले अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पिंटू गोरवा नाम के एक बुटलेगर को गिरफ्तार किया गया है। पिंटू बोरवा तालुके के रोजित गांव में सरपंच जिगर डुगरानी ने शराब घोटाले के मामले में कहा है कि लट्ठाकांड व्यवस्था की घोर लापरवाही है। क्या आज से 3 महीने पहले इस मामले में SP, PSI और मामलतदार ने लिखित में ज्ञापन भी दिया था, इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई निवारण नहीं हुआ, जिसके चलते इस घटना के लिए सरपंच को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मिली हुई जानकारी के मुताबिक सभी लोगों ने जहरीले लट्ठाकांड में देशी शराब पीने वाले गंभीर प्रभावों के कारण हुए पीड़ितों को तुरंत बोटाड अस्पताल और भावनगर की सी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। भावनगर की सी अस्पताल के एक टीम को ICU एम्बुलेंस के साथ बोटाड भेजा गया, जबकि 20 लोगों को इलाज के लिए भावनगर रेफर कर दिया गया। राज्य में लट्ठाकांड की घटना सामने आने के बाद एक बार फिर पुलिस और सरकार में हड़कंप मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जागरूक भारत 24 न्यूज़, बोटाड।